and I'm going to teach you computer of class 6. And your first chapter is basic of computer hardware and software. यानी कि आपको इस chapter में computer के hardware and software के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी. And in this chapter you learn about following topics. Introduction. It means computer का introduction. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग. So first of all I'll discuss about introduction. यानी कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे. तो ये जो टॉपिक है आपको, जिनके बारे में मैं आपको फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, इंट्रोडक्शन, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कि वन क्लास से पढ़ते आए हैं. कंप्यूटर का डिफिनेशन, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति क्या कैसे हुई और कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर भी मैं आपको लिखवाती हूँ. A computer is an electronic machine that processes input data and give meaningful result. तो ये आपका कंप्यूटर का डिफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो हम डाटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से, उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त करता है. अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई. तो कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कंप्यूट से हुई. कंप्यूट जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना. तो सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था वो एक गणना करने के लिए बना था, और जब उसमें, तो इसलिए कंप्यूट का मतलब हो जाता है गणना करना, और जब उसमें ईआर लगा देते तो यानी कि गणना करने वाला. तो यानी कि कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो गणना करने वाला होता है. तो उसके स्टार्टिंग में जैसे ये काम करता था उस आधार पे इसका नाम पड़ा. जबकि आप सब लोग जानते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे हर एक क्षेत्र में यूज होता है. ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, शॉप, इवन होम, यहाँ तक कि घर पे भी, मतलब कंप्यूटर का इतना ज्यादा यूज हो गया है. बिना कंप्यूटर के हम कोई काम सोच भी नहीं सकते. जैसे कि आपकी दिन की शुरुआत, हमारे दिन, सबकी टाइम जो है वो स्मार्टफोन पे बीतता है. हम हर एक काम स्मार्टफोन की मदद से करते हैं, जो कि आपका क्या है, कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर का यूज जो है वो एवरीवेयर है, हर जगह है. अब मैं आपको बताती हूँ हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या है आपका, जो कि आपका एक फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का. हार्डवेयर it is a physical component of computer that we can only touch and see. यानी कि all the physical components of computer that we can only touch and see. यानी hardware जो है it is a physical components. आपके computer का physical components होता है जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं. अब देखिए hardware को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया. कौन कौन से, hardware divided into फोर पार्ट. एक आपका इनपुट डिवाइसेस,
आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज डिवाइस। तो आप ये जान चुके होंगे अब तक कि हार्डवेयर क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस को भी हम छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं, आउटपुट को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोसेसिंग को भी एंड स्टोरेज को भी। तो अब मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगी कि इनपुट डिवाइस आपका क्या होता है, कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट, ये आपका इनपुट डिवाइसेस का आपका क्या है डिफिनीशन। इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू इंटर डाटा इन कंप्यूटर। मतलब जैसा मैं आपको अभी बताया कि हार्डवेयर के फोर टाइप्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो जिसमें आपका पहला है आपका इनपुट डिवाइसेस, इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या है आपका? एक हार्डवेयर का कंपोनेंट है जिसका यूज हम लोग डाटा को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए, फीड करने के लिए करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस, वो कौन सा होता है? कीबोर्ड एंड माउस होता है। तो आपका एग्जांपल है यहाँ पे कुछ कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस की, कुछ एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बहुत सारे होते हैं, टच स्क्रीन, वेव कैम, डिजिटल कैमरा, MICR। तो यहाँ पे मैं आपको तीन के बारे में बता रही हूँ। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है आपका वो एक इनपुट डिवाइस है, जैसा अभी मैं बताया आपको, जिसका यूज डाटा को कंप्यूटर के अंदर टाइप करने के लिए करते हैं। इस कीबोर्ड की मदद से हम कई तरह के डाटा को, जैसे हो गया आपका नंबर, हो गया कोई अल्फाबेट, हो गया उस तरह के डाटा को हम इंटर करने का, टाइपिंग करने का काम हम करते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। एंड माउस, माउस जो होता है आपका एक जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को, किसी भी वर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। और स्कैनर का यूज किस लिए किया जाता है? स्कैनर का यूज किया जाता है स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को, जैसे कि अगर हमारा जो हार्ड कॉपी रहता है, एक तो आप कंप्यूटर में जो टाइप कर रहे हैं, जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा हार्ड कॉपी है उसको हम अपने कंप्यूटर में फीड करें, तो उस डाटा को स्कैन करके तब डाला जाता है, उसको डिजिटल फॉर्म में किया जाता है, जिसके लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ आउटपुट डिवाइसेस की, जो कि आपके हार्डवेयर का दूसरा टाइप है। इट हेल्प अस टू गेट डिजायर्ड आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। आपका क्या करता है इनपुट डिवाइस से जो हम डाटा इंटर करते हैं, उसको आप प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आता है। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मदद करती है, ये हमें हेल्प करता है किस तरह से, इंफॉर्मेशन, एक डिजायर्ड एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की यूज होती है। और मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा मॉनिटर। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर की। मॉनिटर जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी हम डाटा टाइप करते हैं, जो हमारा प्रोसेस करता है, तो जो रिजल्ट हमारा आता है वो हमारे मॉनिटर पे ही आता है। और जो मॉनिटर स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और सेकेंड है आपका प्रिंटर, जो आपके रिजल्ट मॉनिटर पे आता है, अगर हम उसे चाहते हैं कि पेपर पे प्राप्त करे, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर जो होता है वो हेल्प अस टू टेक आवर डाटा इनटू अ पेपर। मतलब प्रिंटर का काम होता है जो हमारा डाटा है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, उसे हम लोग पेपर पे प्राप्त करे, जिसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर जो हम स्पीकर का काम, स्पीकर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है, जिसका काम आपको होता है साउंड को सुनने के लिए। आप जो भी अगर वीडियो प्ले कर रहे हैं या फिर कोई ऑडियो सुन रहे हैं, तो वो स्पीकर के थ्रू हम लोग सुन सकते हैं। अगर स्पीकर नहीं होगा तो वीडियो एंड अगर ऑडियो प्ले है तो उसे हम सुन नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके हार्डवेयर के टू टाइप्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा हुआ है। आपको
नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो हार्डवेयर के टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।